SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाजमिन खान आपके साथ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद और लगातार कांग्रेस का हल्ला बोलने के बाद यही सवाल मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि अब अगर कांग्रेस पार्टी की छवि कमजोर हो गई है तो यहां पर कौन सी पार्टी मोदी सरकार को कड़ाके की टक्कर देती हुई नजर आएगी। आने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुखर होती जा रही है और लगातार हल्ला बोल रही है और लगातार संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अडानी मुद्दे को उजागर करते हुए कई घोटालों का पर्दाफाश करते हुए काफ़ी कुछ सबूतों के साथ पेश करती हुई नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने तक की बात की जाती है और कुछ दल सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करते हैं। तो वहीं इसी बीच देखा जा रहा है कि काली वेशभूषा में कांग्रेस के तमाम मंत्री नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है और उस अडानी के खिलाफ है जो PM नरेंद्र मोदी के पीछे छुप कर जनता का पैसा खाकर बैठा हुआ है। अब यहीं पर एक सवाल मंडराता हुआ नजर आता है कि राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन होगा इस चुनाव में दावेदारी की टक्कर देने के लिए PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो अब ऐसे में कांग्रेस की पहले बात करते हैं तो राहुल गांधी एक चेहरा देखे जाते थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपने आप को देखते थे। अब ऐसे में कांग्रेस की बात की जाए तो वायनाड का उपचुनाव है, उस चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा तो हैं ही, उनके चेहरे को देखा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी को भी देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी नहीं है तो फिर कौन सी पार्टी मोदी सरकार को कड़ाके की टक्कर देगी। तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये दो चेहरे ऐसे हैं जो राहुल गांधी के बाद PM नरेंद्र मोदी पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। उनके बयानों में साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र खतरे में है और किस तरह की नीतियों के तहत अडानी को छुपाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाती है तो तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाई देती हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह देते हैं कि निजी मामला नहीं है, देश का मामला है, अब देश को बचाने की बात और कमान हमारे हाथों में है, अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो मोदी सरकार को टक्कर दे सकते हैं, उनकी सत्ता को हिला सकते हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी के गढ़ में घुसना बहुत ज़रूरी है और मोदी को शिकंत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार तानाशाही के रूप में देश को चलाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का माहौल हो चुका है, समुदाय में बंटवारा करवाना, विपक्ष में बंटवारा करवाना, विपक्ष को गिरफ्तार करवाना और विपक्ष की गिरफ्तारी के तहत CBI और ED का शिकंजा कसवाना, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो अब यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन से दो चेहरे हो सकते हैं अन्य पार्टियों में जो मोदी सरकार को कर दे सकते हैं, वो भी एकदम कड़ाके की, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के बाद ये दो चेहरे आपको लगते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को, PM नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं? क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।